मुनि जी, महेंद्र भट्टी, माननीय श्री भवकान ध्यानी जी, नरेश पंथ जी और सुश्री स्वराज भगवान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों अध्यक्ष शमशेर सिंह जी, विनय गोयल जी, सुनील मुनिया रामा जी, विधायक धन सिंह नेगी जी, केदार सिंह रावत जी, दान सिंह रावत जी और जिला सहकारी बैंक देहरादून के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर के एस राणा जी, तमाम हमारे अधिकारीगण और इस पंडाल में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, और आज इनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जिसकी आज देहरादून से या देहरादून जिले में हम शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे सभी मेरे किसान भाइयों और बहनों, मैं आज सबसे पहले आप सबको राज्य स्थापना के 17 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यही शुभकामना है कि आज किसान भाइयों के लिए जो हमने वायदा किया था कि हम किसान भाइयों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे, वो भी अपने जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके लिए आज इस योजना का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है और फिर हमारे आज का दिन और भी स्मरणीय हो जाता है। मुझे विश्वास है हमारे सभी किसान भाई बहन अपने आजीविका के तहत के लिए अपने जो कृषि है उसको लाभकारी बनाने के लिए इसका फायदा उठाएंगे और आप लोग इसका सदुपयोग करेंगे और आने वाले समय में हम इसका अध्ययन करेंगे तो कुछ और भी किसान भाइयों के लिए हम विचार करेंगे। ये भी मैं आज आपसे वायदा कर रहा हूं। आज मैं राज्य की ओर से उन तमाम आंदोलनकारी जो राज्य के लिए शहीद हुए, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और तमाम आंदोलनकारियों को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए तमाम तरह के आंदोलन किए, उन सबको भी मैं आज बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, मैं आपसे सरकार ने इन 7 महीनों में क्या किया है, मुझे लगता है कि आपका अधिकार है जानने का और हमारा कर्तव्य है कि उसको आप उसको बताने का प्रयास करूंगा, थोड़ा और करने की कोशिश करूंगा कि कम बोला जाए। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक, यानी कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए, तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा है मेरे भारत, देश की आजादी के 70 वर्ष पूरे हो गए लेकिन आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, वो खुले आकाश से नीचे सो गए। आज देश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 समय की भोजन की उपलब्धता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हम चाहते हैं कि प्रत्येक देशवासी के पास अपना घर हो, पक्का घर हो, उसमें शौचालय, उसमें स्वच्छ पानी आदि व्यवस्थाएं उसके पास हो और कम से कम जो न्यूनतम आवश्यकताएं जो किसी व्यक्ति के लिए चाहिए, किसी परिवार के लिए चाहिए, वो वहां पर पूर्ण हो। गैस नहीं देंगे, अगर कोई बिजली का कनेक्शन नहीं देता दे सकता तो सौभाग्य योजना उन्होंने देश में लागू की है
क्या आप अप्लाई करिए, आपको निःशुल्क जिस गैस उज्ज्वला के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिए गए थे उसी तरह से बिजली के लिए कनेक्शन निःशुल्क दिए जाएंगे। मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री की देश के गरीबों के प्रति एक उनकी क्या सोच है, उन्होंने क्या तड़प है, वो क्या चाहते हैं, ये समझने के लिए पर्याप्त है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उज्ज्वला योजना से जो वंचित रह गए, जो गैस कनेक्शन नहीं ले पाए, जो गैस को नहीं ले पाया, 2.5 लाख से अगर उनकी आय कम है वापस, तो राज्य सरकार उन सबको निःशुल्क गैस कनेक्शन देगी, उसका साहसा बैंक हो गया है। हम चाहते हैं उत्तराखंड देश को स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी देता है, अच्छे मानव देता है, उत्कृष्ट मानव संसाधन उत्तराखंड के पास है। राज्य सरकार ने इसलिए धुएं से मुक्ति का एक रास्ता और प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ने का संकल्प किया है। उसी के निमित्त हमने जो हमारे उत्तराखंड की नदियां है नदियों के पानी का डिस्चार्ज बहुत कम हो गया है, हमारी जरूरतें बढ़ रही है और पानी की कमी हो रही है। और इसलिए हमने शुरुआत की है इस बात में उन्होंने कि हम देहरादून नेता की रिश्ता इसी परिणाम की जो अभी और कुमायूं की हार्ट लाइन लाइफ लाइन कोसी नदी, इन दोनों को हम कृष्णा को पुनर्जीवित करेंगे और रोजी नदी को हम स्ट्रेंथन करेंगे, उसको हम मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि रोजी की स्थिति ऐसी हो गई है जो 60 सालों का उसका अध्ययन है, उसमें 28 धाराओं के भीतर के रोजी नदी बनी थी, आज देखो 8 धाराओं में पानी है, 20 लोग आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोसी सूख गई तो फिर क्या होगा। और कोसी का जो स्रोत है, जो लेवल है, आज जो लगभग बराबरी पर आ गया है, अगर ये नीचे जाता है तो कोसी सूख जाएगी। और इसलिए हमने समय पर मैं कह सकता हूं कि जैसे मैं इसका जिला बैठक अनुपा की दे रहा था, वहां पर जब एक साइंटिस्ट ने वहां पर मैंने उन्होंने कहा हमें डेमो रखना चाहते हैं, जब उन्होंने डेमो वहां पर रखा और मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि हमको चेक करना चाहिए। मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा, डॉक्टर जयेश रावत है, डॉक्टर हैं, उनको भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्ष किया। और इस तरह मैं बहुत पहले से पहले देख रहा हूं और इस तरह के लिए हमें हमारे कर्नल राणा यहां पर हैं, इको टास्क फोर्स के यूथ सर्वे साइंटिस्ट, एफआरआई के साइंटिस्ट, तमाम लोगों को आईआईटी रुड़की के लोग, हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट के, उन सबको मिला करके और प्लानिंग ये है
सहयोग चाहिए, जनता के सहयोग के आधार पर हम इस काम को करेंगे। और मैं बधाई देना चाहूंगा कर्नल राणा को कि उन्होंने एक जिंदगी रिपोर्ट टास्क फोर्स भी बनाई। एक हमारे पूर्व सैनिक है और आपने एक जिंदगी रिपोर्ट टास्क फोर्स बनाई है, मैंने उनको तत्काल लाकर तत्काल इसकी शुरुआत करिए। वो बड़े जीवन टास्क इस काम में लगे हुए हैं और हमें इस प्लान को फिर इसी पड़ना बनाना है। मैं जानता हूं कि ये जो सरकार ने जो घोषणा की है, जो हमने लक्ष्य रखा है, ये भगीरथ प्रयास से कम इसके लिए प्रयास नहीं करना होगा, हमको बहुत प्रयास करना होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर हमारा थोड़ा सा प्रयास जब जन है भागीदारी हो जाएगी तो ये काम बहुत सरल भी है जिसको हम सोच ले सकते हैं। जब मेरी दल पुरुष राजेंद्र सिंह जी से बात हुई थी, उनको मैंने बुलाया था, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने जो बातें मुझे अपने अनुभव की बताई, 11 नदियां उन्होंने पुनर्जीवित की, 11 नदियां जो बातें जब हमारी बातचीत हुई, मैं क्योंकि समय मुझे फिर मुझे आगे जाना था, मैं घर से और स्रोत तक जब उनके साथ गाड़ी में बिठा के लिया, उस दौरान मैंने 15-20 मिनट उनसे बातचीत की। लेकिन जो मैं समझ पाया, मुझे लगा कि जितना कठिन मैं सोच रहा था उतना कठिन है नहीं, उतना सरल है। बस जरूरत यह है कि सब हाथ इसके लिए खड़े हो जाए तो निश्चित रूप से इस बनाने हम अपने आप को फिर पानी देखेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और पानी होगा तो हमारी किसानी भी होगी, अगर पानी की किसानी नहीं हो सकती है। और इसलिए आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जो ऋण आज यहां पर आपको 2% पर मिलेगा, इसको मैंने पहले बताया है आपको, ये शुरुआत भी हो गई है। हमने किसान भाइयों के लिए जो उर्वरक की डीबी की थी, किसी का किसान को ये पता चले, भले बड़ा टाइम हुआ जब मैं इस योजना का हमने शुभारंभ किया तो हमारे जो बड़े किसान थे वो कह रहे हमको पता ही नहीं था कि हम तो बनेगा। नीम कोटेड हो गया, यूरिया का दुरुपयोग बंद हो गया, किसानों को लाइन
लाइन में रखना किसानों का, जो हर बार आंदोलन खत्म न होता था वो बंद हो गया, और यूरिया 250 रुपए से ढाई तक, 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक आज इसकी कमी आ गई। ये बड़ी सिंपल चीज है, बहुत साधारण चीज थी, जो पहले भी किया जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया गया ये जरूर आज भी सवाल मन में उठता है। प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है, हमें पतंजलि के साथ ही कहा है कि आज अगर हमारे किसान का पेट्रोल पंप मार्केट में नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि हम भी एक मूल्य निर्धारित करके किसान की खाओगे तो किसान वहां पर भी ले सकते हैं। देश का और दुनिया का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है, बहुत उत्तराखंड का अगर संपूर्ण उत्पाद उनको दे दिया जाए तो उत्तराखंड के लिए, और इसलिए हमने वहां पर उनके साथ बातचीत की है ताकि हमारे किसानों को भटकना न पड़े। हमने कहा कि जो गौमूत्र है, गौमूत्र का वहां पर 1 लाख लीटर प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, और जब मैं कृषि मंत्री था हमने उसकी शुरुआत की थी काशी से। आज 1 लीटर हमने हर चीज शुरुआत की थी काशी से, इसलिए आप सब अन्नदाता भाई बहन है, और अगर किसान का ही होता है तो मैं मानता हूं कि राज्य का ही होता है। किसानों तक हम सीधा पहुंच बनाने का, किसानों को सीधा हमारी पहुंचों में धीरे धीरे आप सब लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर ब्लॉक मुख्यालय पर मैं चाहता हूं कि हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, किसान देहरादून न दौड़ना पड़े, किसान को जिला के स्तर पर दौड़ना पड़े, बल्कि किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात सीधा जिलाधिकारी से कहना है, कृषि अधिकारी से कहना है, प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना है, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम उसकी शुरुआत करेंगे। पलायन राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और पलायन एक तो विकास के लिए हुआ, लोग शिक्षित हुए, अच्छी शिक्षा ग्रहण की, अच्छी नौकरी मिली है, उनको बहुत बधाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जो मजदूरी में जाते हैं आते हैं, उसके लिए हमने पलायन आयोग भी बनाया है, और जो हमारे 670 न्याय पंचायत, उन 670 न्याय पंचायतों पर हम बहुत जल्दी इनमें से 25 न्याय पंचायतों पर हम शुरुआत कर देंगे, और हम वहां पर 100 से 120 से लेकर 150 महिलाएं ज्यादा है, जिससे महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनको हम वहां पर रोजगार वापस देंगे, और धीरे धीरे हम इसको 670 जो हमारी न्याय पंचायत है वहां तक ले जाएंगे, 25 न्याय पंचायतों हम इसी वक्त इसकी शुरुआत करेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सरकार का गांव में जो लोग रह रहे हैं सरकार उनके प्रति संवेदनशील है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पिरूल हमारी बड़ी भारी समस्या है, पिरूल के लिए आपको साइन हो गया है, और बहुत जल्दी विनोद जी से हमने कहा है कि भाई आपकी जमीन है सहजपुर में, आपको जमीन दे दो, और ये शायद उसके लिए सहमत होंगे तो इनको सहमत करा लिया जाएगा। वहां पर हम जो पिरूल है, पिरूल हमारी तमाम वन संपदा को नष्ट करता है, तमाम जीव जंतु भी नष्ट होते हैं, और कई बार मानव हानि भी होती है, और ये पिरूल पर वैज्ञानिकों ने शोध किया, और हम आने वाले 5-7 महीनों में 8 महीने में हो सकता है ज्यादा से साल लग जाए तो पिरूल से पॉलिथिन का तेल जो दवाइयों के लिए होगा, और जो बाकी बचेगा उसके लिए इंडस्ट्रियल यूज ये इससे बनना प्रारंभ हो जाएगा, और हमारे जो लोग इकट्ठा करेंगे 7 घंटे से उनकी शुरुआत करेंगे, आगे उनको और बढ़ाएंगे, उनको हम 5 और 4 रुपए के बीच में उनको वहीं पर मूल्य दिया जाएगा जहां पर एकत्रित करके सड़क पर जाएंगे। मैं समझता हूँ किसी हमारे गांव के लोगों को बड़ा भारी रोजगार इससे मिलेगा, इसकी शुरुआत हम 1 साल में हम इसकी कर देंगे। वो इसलिए योजना है कि आप 2 कमरे रिजर्व करिए, और होम स्टे योजना हमारी बड़ी सफल योजना रही है, इन 6-8 महीनों में उसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए हैं, जो लोग बाहर से आते हैं वो परिवर्तन चाहते हैं, वो कुछ नयापन चाहते हैं, और इसलिए होम स्टे जो हमारे पुराने घर हैं उनको थोड़ा मेंटेन करके, बड़ों की सफाई व्यवस्था ठीक करके, अच्छा शौचालय पानी की व्यवस्था करके, और बहुत अच्छा उसमें जहां पर शुरुआत हुई है उसका बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, लोग गाँव की ओर आना चाहते हैं, और फिर हमने गांव चलो अभियान और अपने गांव की खबर लो ये मुहिम भी हमने चलाई है, और मैं समझता कि आने वाले समय में इसको और बढ़ावा देकर के इससे भी हमारे रोजगार के रास्ते खुलेंगे। स्वच्छता के मामले में
प्रखंड ये चौथा राज्य बना है जो ग्रामीण बुढ़िया है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि साहब 100% युवा, बिल्कुल मैं मानता हूँ नहीं युवा, लेकिन जो 11-12 का सर्वे है उसके आधार पर 5,09,000 लोग ऐसे थे गाँव में जिनके पास स्टेट बैलेट नहीं थे, और इन 6 महीनों में जो काम पहले भी चल रहा था लेकिन इन 6 महीनों में हमने बहुत तेजी से उस पर काम करके और हमने 5,09,000 टॉयलेट बनाए, 5,09,000 80,000 अतिरिक्त टॉयलेट हमने बनाए। अभी जो हमारा शहरी क्षेत्र है रह गया है और इस मार्च तक अभी ये नवंबर चल रहा है दिसंबर और यानी कि 4 महीने के अंदर हमें लग सकता है कि हम पूरे जो शहरी क्षेत्र है इसको भी हम खुले में शौच से मुक्त कर देंगे, ये हमने इसका लक्ष्य रखा है। हमने जो 5 किलोमीटर तक की जो सड़कें हैं, 5 करोड़ तक जो सड़कें हैं काम है निर्माण मिला गया अपने ग्रामों के, उसके लिए हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड के ही जो स्थायी निवासी है उन्हीं को केवल भुगतान देंगे। इसी तरह से 5 मेगावाट तक के जो पुरल प्रोजेक्ट है ये भी उत्तराखंड वासियों के लिए हमने आरक्षित किए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। आज उत्तराखंड में लोग विधायक है बड़ी संख्या में जो 5 मेगावाट तक प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जो 5 करोड़ तक के टिकट आसानी से कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ, इसलिए हमने उसको उत्तराखंड वासियों के लिए हमने उसको शुरू किया है। इसी तरह से जो हमारे पहाड़ों में बागवानी का बहुत अच्छी सेब में बहुत अच्छी वैरायटी आई है, अखरोट में बहुत अच्छी वैरायटी आई है, एक तो 1.5 साल में फल देना शुरू कर रहा है और अखरोट 3 से 4 साल में फल दे रहा है, नई वैरायटी आई है, बहुत अच्छी है, टमाटर की तरह उनको सेब लग रहे हैं। और अगर थोड़ा सा शुरुआत उसकी थोड़ा शुरुआत में उसका खर्चा ज्यादा है लेकिन जो किसान कर सकते हैं तो 5 साल में 5 टन इस थाली पर सेब पैदा हो सकता है, 5 साल में आगे साथ में 8 से 10 किलो से कुछ पेड़ पर लग रहे हैं, अब ये इतना बड़ा है, बहुत छोटा पेड़ है, 6 फुट का पेड़ है, आप भी सोच सकते हैं, आप चाहे उसकी देखरेख कर सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों के स्टार्टअप और उद्योगों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत अच्छे कुछ प्रस्ताव भी आए हैं, अगर जमीन आपको कहीं पर दे देंगे 20-25 एकड़ तो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और वो चाहते हैं कि एयरपोर्ट के आसपास महंगा काम है तो उसकी हम खोज कर रहे हैं, डॉक्टरों की समस्या और उन्होंने स्वीकार कर रहा, लेकिन अभी तो हमने प्रयास किए सेना के सेवन जो डॉक्टरों से हमने संपर्क किया, जनरल रावत शासन ने संपर्क किया और हमने केरल उड़ीसा तमिलनाडु महाराष्ट्र हमारे पास पहली बार ऐसा हुआ कि 2,000 डॉक्टर के हमारे पास आवेदन आ चुके, 2,000 डॉक्टर के और हमें लगभग 1,300 डॉक्टर की जरूरत है, 1,300 डॉक्टर की जरूरत है, उसमें कुछ आरक्षित श्रेणी के लिए बंद है, हमको 2,700 डॉक्टर करीब हम पूरे राज्य के हमको चाहिए, 2,000 के आवेदन हमारे पास आए हैं, अब उसका परिणाम उसकी परीक्षा शुरू हो जाएगी कुछ दिन में और हम कोशिश करते हैं कि हम पूरे जो हमारे चिकित्सालय सब जगह डॉक्टर हो तो हम सबको हमारे देश का जो गरीब तबका है उनको हम स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हम तेजी से बेरोजगी कल हम बड़े से शुरुआत कर रहे हैं, डेली रेडियोलॉजी का मतलब ये है कि डॉक्टर देहरादून में होंगे, डॉक्टर दिल्ली में होंगे, डॉक्टर इंग्लैंड में भी हो सकते हैं, वहां से हम तकनीक का इस्तेमाल करके मरीज का जो परीक्षण होगा वो इंग्लैंड में भी देख सकेगा, वो देहरादून में भी देख सकेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर, उसकी हम कल से शुरुआत कर रहे हैं और शायद देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा वहां पर टेलीमेडिसिन और टेलीमेडियोलॉजी का प्रारंभ करें। हमारी कोशिश है कि हम पूरा क्षेत्र में कैसे सुविधा दे सकते हैं, हमारी कुछ दिक्कतें हैं, हमारे पास जो इंटरनेट है अभी दूर क्षेत्रों में जिस स्पीड का चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मैंने रिलायंस से बात किया है, मैंने कहा भाई कुछ काम हमारे विमान क्षेत्र है जहाँ प्रॉपर्टी भी कर दो, मेरे साथ जरूर करेंगे, मैंने कहा मुझे अगर इसलिए आपके पास आना है तो मुंबई कलकत्ता जहाँ भी आप मैं आ सकता हूँ और हमारी बातचीत कर रही है, लेकिन फिलहाल हम वैल्यू टेक्नोलॉजी देश का पहला राज्य होगा जो उत्तराखंड होगा जहां पर दोनों क्षेत्रों में हम फोन की कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए हमारा एमओयू साइन हो गया है और मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि हम 2 महीने में इसकी शुरुआत कर देंगे, ये बैलून टेक्नोलॉजी है, बैलून हवा में बैलून रहेगा और वही से। तो देहरादून से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस बीच आपने सुना।